चलो भाई फटाफट से रेडी होते हैं क्योंकि जाना है बाहर घूमने। और पता है कहाँ जा रही हूँ मैं? जा रही हूँ गणेश जी देखने के लिए। तो मैं यहाँ पे रेडी हो गई और फिर मैं निकल गई गणेश जी देखने के लिए। तो फिर मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए, लेकिन यार ये जो नागपुर की ट्रैफिक है ये पता नहीं कब ख़त्म होगी। और ना मैं पहुँच गई तो ये है खामला, और खामला में यहाँ पे ना हमेशा से ही ऐसा बड़ा बड़ा सा पेंडोल लगाते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ थीम रखते हैं। और भीड़ भीड़ तो यहाँ पे लाजवाब रहती है, मतलब पूछो ही मत। आधा एक घंटे लाइन लगाने बिना आप अंदर जा ही नहीं सकते। और फाइनली मेरा नंबर आया और अंदर आने के बाद तो सबसे पहले इसके दर्शन हुए, तो ये तो बहुत ही सुंदर था और ऊपर चाँद आसमान में चमक रहा था तो वो और भी खूबसूरत। फिर हमारी एंट्री हो जाती है गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगाते। और यार गणेश जी यहाँ के इतने सुंदर थे ना, ऐसा लग रहा था कि पूछो ही मत, मतलब पता है नज़र ही नहीं हट रही थी और बहुत ही सुंदर था। उसके बाद फिर यहाँ वाले जो थे ना वो सब चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, लेकिन पता है आगे बढ़ते बढ़ते में इतने अच्छे अच्छे दर्शन हो रहे थे। ये कृष्ण भगवान के ऊपर ये सब बनाया हुआ था, जैसे उनकी स्टोरी थी उसके ऊपर जो कलाकृति थी ना वो तो और भी प्यारी लग रही थी, तो वहाँ से नज़र नहीं हट रही थी। तो वो देखते देखते हम सभी जा रहे थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप कंटिन्यू ही रहना इस वीडियो में, तो आपको ना वीडियो में पक्का दिखने वाले हैं कि सच में कितना अच्छा अच्छा बनाया गया है यहाँ पे, चित्रकारी कितनी अच्छी, कलाकारी कितनी अच्छी अच्छी की गई है। यार लोग इतने टैलेंटेड रहते हैं यहाँ पे कि पूछो ही मत। और सच में मतलब इतना सही लग रहा था ना। और यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ थीम रखा ही जाता है, एक बार बाहुबली वाला थीम रखा गया था तो वो यार वो तो और भी बहुत ही मतलब अच्छा था वो। और इस बार कृष्ण भगवान का रखा गया है कि कैसे कृष्ण भगवान एक उंगली पे पर्वत उठाते हैं, फिर वो जो राक्षसनी को मारते हैं, तो ये सारी चीज़ें दिखाया गया है। और यहाँ पे देखो कृष्ण भगवान अर्जुन को शिक्षा दे रहे जब वो युद्ध करने जाते हैं, ये वाली थीम यहाँ पे है। और फिर लास्ट हम लोग निकल चुके, हमारी अभी एग्जिट होने वाली है। तो यहाँ पे देखो सेनापति, सेनापति को भी नहीं छोड़ रहे लोग, यहाँ पे भी फोटो सेशन करना ही करना है यार, सेनापति को तो छोड़ दो बेचारों को। तो फिर ना हम ले लिए हमारे चप्पल उप्पल ले लिए, उसके बाद हम आ गए थे पता है प्रताप नगर में। और ये ना चंद्रयान वाला थीम था, तो ये तो और भी सुंदर था, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। और ऐसा सच में ऐसा लग रहा था कि हम किसी अंतरिक्ष में आ गए। किसी अंतरिक्ष में क्या, एक ही अंतरिक्ष है ना, तो वहीं आएंगे। हाँ तो भाई अंतरिक्ष में आ गए, इस टाइप की फीलिंग आ रही थी। और ऐसे लग रहा था कि सच में चंद्रमा में गणेश जी विराजमान हो गए हैं। तो देखो भाई चंद्रमा जितना उजाला कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये था चंद्रयान वाला थीम। और यहाँ के गणेश जी तो बड़े ग्लो कर रहे थे, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे सच में बहुत अच्छा लग रहा था यार, मुझे पसंद आया। और उसके बाद फिर पता है मैं कहाँ निकल गई, मैं निकल गई थी धर्मपेट। और यहाँ का जो पेंडोल था ना, पेंडोल बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, चलो कमेंट करके आप बताना क्या बोलते हैं। तो यहाँ का जो पेंडोल था ना वो ना कांच का था, पूरे ग्लास का, और इतनी अच्छी बारीक बारीक इस पर काम किया गया था ना। आप अगर देख पा रहे होंगे तो एक बार ज़रूर थोड़ा सा ध्यान देना कि इतना शानदार इन्होंने ऐसे बारीक सा काम किया है कि मैं क्या ही बताऊँ यार, मतलब कांच का आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा। और उसके बाद फिर पता है यार समझ नहीं आता ये बनाया कैसा होगा, मतलब मैं तो ये अभी तक सोच रही हूँ कि यार इसका डिज़ाइन कैसे किया होगा, वो भी इतनी बारीक बारीक, इतनी फूल पत्तियाँ बनाई कैसी होगी, इतना अच्छा कैसे डिज़ाइन किया होगा। और मूर्ति भी इतनी शानदार थी यहाँ की, तो पूछो ही मत यार, बहुत ही शानदार। उसके बाद ना मैं आ जाती हूँ हिल स्टॉप, और हिल स्टॉप की मूर्ति तो हमेशा से ही बड़ी होती है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये नागपुर की सबसे बड़ी मूर्ति होती होगी। और यहाँ पे बड़े जयकारे लग रहे थे, और पता है यहाँ पे भी आधा घंटा लाइन लगना पड़ा। और भीड़ देख रहे हो आप, ये भीड़ भाई हिल स्टॉप की है जो हमेशा से ही भीड़ होती है, वो इसलिए शायद क्योंकि वहाँ पे छोटी सी जगह है, पतली सी जगह इसलिए। लेकिन ये पता है यहाँ के जो गणपति बप्पा थे ना वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, एकदम से मासूम से लग रहे थे यार, बहुत सुंदर। लेकिन यार ये भीड़ ना पता नहीं क्यों भीड़ रहती है, और ऐसा लगता है मुझे कि जितने टाइम जाओ ना उतने टाइम हमेशा ही भीड़ रहती है, पता नहीं कब जाना चाहिए। सही टाइम मुझे आज तक समझ ही नहीं आती कि कितने बजे जाना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई। उसके बाद ना हम निकल जाते हैं घर के लिए।